देखिए, ये हिंदुस्तान जो है इसमें मुस्लिम का भी साझेदार है, क्यों कि ये सब हिंदू और मुस्लिम जितने भी हैं ये हमारे सब भाई होते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी सरकार या हमारे यूपी गवर्नमेंट योगी जी, इससे बढ़िया गवर्नमेंट नहीं आई, सब धोखेबाज गवर्नमेंट है। इन्होंने हर मुस्लिम को, हर ठाकुर को, हर धोबी को, हर दलित को, इन्होंने सबको मकान दिया है, सिलेंडर दिया है, हर योजना उसके घर पे पहुंचाई है, क्योंकि दलालों का काम खत्म कर दिया, दलालों का काम खत्म कर दिया। मैं मेरठ मंडल का रहने वाला हूँ, मेरा जनपद बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। इस सरकार से बढ़िया था करना है, 18 गुट इसके पीछे लगे हुए, 18 गुट पीछे लगे हुए, लेकिन 18 गुट फेल इसलिए हो गए क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन सही नहीं था, किसी की भी योजना उनके घर पे नहीं पहुंचाई क्योंकि बीच में दलाल खा लेते थे, ठीक है। ये मेरा नाम है। आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं? वोट देंगे, हम वोट दे, पूरा मुस्लिम देगा वोट। हम दावे से कहते हैं कि मुस्लिम इसके साथ है, इस सरकार के, क्योंकि मुस्लिमों के साथ में अत्याचार नहीं किया। पहले मुस्लिम गऊ काटते थे, इन्होंने गऊ को हटा दिया, इन्होंने गौशाला बनवा दी कि मुस्लिम को फंसे नहीं, जेलों में नहीं जावे, ठीक है। मायावती ने हरिजनों पे, मुसलमानों पे सब पे प्रोटेक्ट लगाई, क्यों, अखिलेश जी ने साफ उड़ा दिया मुलायम सिंह साहब को कि मुलायम सिंह बन गए, मुलायम सिंह में। ये सरकार कोई नहीं है, सरकार बढ़िया है और रहेगी, 24 में भी सरकार यही जीतेगी। तो क्या आप मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन करते हैं कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी समर्थन करते हैं और योगी जी साहब का भी समर्थन करते हैं। अरे योगी प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है, और योगी जी जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, ये हम मुस्लिम जो है प्रधानमंत्री बने, योगी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दावा कहते हैं, पूरी मुस्लिम वोट इनको मिलेगी, ठीक है, इनको वोट मिलेगी। हम मेरठ मंडल के रहने वाले हैं, मेरठ मंडल के, हमने योगी सरकार से बढ़िया सरकार ने दी, दलाल खत्म। पूरा मुसलमान समुदाय जो है, समाज है, योगी जी के साथ है, योगी जी के, प्रधान जी के, सबके साथ, इनके साथ। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, इस देश, इस अभी 8-10 दिन पहले, अभी 8-10 दिन पहले हमारे विदेश के 20 जगह के लोग आए हुए थे, इन्होंने कहा कि मेरे देश को, हिंदुस्तान को रुजगार मिले, वो कंपनी खोलेंगे, हमारे जो रक्षा चला रहे थे आदमी या फुटबॉल पर पूरी बेचते थे वो पूरी नहीं बेचेंगे, उनको 600 रुपए प्रतिदिन मिलेगा क्योंकि कंपनी बनेंगी, योगी जी बनवाएंगे।